हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दी घर जाने की अनुमति। अब हजारों मजदूर और छात्र पहुंच सकेंगे घर। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने राज्यों की ओर रुख करना चाहते हैं। भारत सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के इस नए आदेश के अनुसार सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाए और घर पहुंचाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन किया जाए। सरकार की तरफ से गाइडलाइन ऐसे वक्त पर आई है जब दूसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म होने जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों से अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो प्रवासी मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार उनके घर जाने की व्यवस्था करे और ट्रेन की सुविधा दे। गृह मंत्रालय की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो सभी दिशा निर्देशों का पालन करे। ऑर्डर हमारे हाथ में आयो है गृह मंत्रालय को और भी मैं साफ साफ लिखूड़ो है कि जिका भी प्रवासी मजदूर, स्टूडेंट, तीर्थ यात्री एक अटी फसूड़ा है तो वे आप रे घेरे आ सके। ये आदेश रे बाद में भी आना राहत मिलसी निश्चित रूप से। मारखने भी बहुत फोन कई दिनों से मारिया एक अटी सूरत फसूड़ा है, कई बीकानेर लोग, राजस्थान लोग, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कलकत्ता, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम, जठे जठे भी वे है और कैंपों में है वे आवाराम सु आ सके है। एक आदेश आ गयो है, यानी कोई को नहीं रोके, लेकिन भैया ने आ एक अवेयरनेस रखनी पड़ी कि बियारी मेडिकल जांच जिकी हुसी भी मैं बे सहयोग करे, स्क्रीनिंग हुए, टेस्ट हुए भी मैं सहयोग करे, पर बे आप गिरे जा सके है। इतना ही नहीं, राज्य और केंद्र शासित राज्य में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए। अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में वह समूह जा रहा है दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए। प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाए। भेजने से पहले बस का सैनिटाइजेशन कराया जाए। नहीं, यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालना किया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक जब कोई शख्स अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी है कि उसे होम क्वारंटाइन में रखे। इस दौरान उसके हेल्थ चेकअप किए जाए। उस व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित किया जाए ताकि उसके हेल्थ स्टेटस पर नजर बनाए रखी जा सके और साथ ही उसे ट्रैक किया जा सके। राजस्थान से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।